सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज आमिर, आप देख रहे हैं टाइगर चैनल। गाइस आज इस वक्त हम इंटरव्यू लेने वाले हैं जनाब अबरार अहमद साहब, देवरा नासिर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इनके जवाब जानेंगे, क्या जवाब देते हैं, क्या आंसर देते हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन हम ये करने वाले हैं कि आप पूर्व प्रधान कब थे? 2010 से 2015 तक। 2010 से और 2015 तक जी। तो आपने अपने गांव के लिए क्या विकास किया, जैसे नाले पर और आवास पर आपने क्या क्या विकास किए, क्या आप जनता को बताना चाहेंगे? जी, मैंने अपने पीरियड 5 साल के पीरियड में रोड के ऊपर लगभग 20 लाख का बजट का काबू कार्य करवाया, जो कि आरसीसी जी, जी, जी। वो आज भी मौजूद है जी। 27 आवास में करवाया गरीबों का, 3,35,000 का प्रति आवास जी जी। 29 पेंशन लगवाया, समाजवादी पेंशन, जो कि प्रति माह 500 रूपया गरीबों के लिए किया। और नाला और नाली उसकी कोई वो नहीं, मैं याद आ रहा है कि कितना करवाया हूँ, लेकिन फिलहाल वो आज गांव में मौजूद है, कोई भी सब जाके देख सकता है। लेकिन अबरार अहमद भाई, आपने इतना विकास भी किया लेकिन फिर भी आपकी एक बार हार हुई, तो इस हार का रीजन क्या है, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसका हारने का रीजन ये हुआ कि जैसे गांव में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के वक्त जैसे लोग एक जिद्दबस वाली बात पे आ गए, जिसमें वोटर जो थे वो भंवर में पड़े। गांव में उस वक्त 4 कैंडिडेट थे, 4 में 2 कैंडिडेट बैठ गए और एजाज अहमद जो वर्तमान प्रधान है उनका सपोर्ट किए, इसलिए जो है इलेक्शन में हार गया, एक तरफा जो है वोटिंग हो गई। और हारने के बावजूद भी मैं जितने वोट से प्रधान बना था उस वोट में मेरा 64 वोट जो है बढ़ा जी, उसके बावजूद मैं इलेक्शन हारा। तो इस बार भी आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी, तो अब की बार आपको क्या लगता है कि देवरा नासिर की जो जनता है क्या आपको चुनेगी? उम्मीद तो है पूरी, तो क्यों, मतलब आपका क्या वजह की चुनना चाहिए देवरा नासिर को? भाई जनता की उम्मीद यही है कि जो ये 5 साल बीता उसमें मेरे कार्य का, मेरे सेवा सत्कार का 1% गुण नहीं पाया उस प्रधान में जी जी। और वो मेरे पीरियड वाला वक्त वो है वोटर याद कर रहा है जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रधान हमें चुनना चाहिए, क्योंकि जो मेरी सोच है, जो आपकी सोच है, उसके सोच ऐसा कोई नहीं कर सकता जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं अपने गांव के बारे में जी जी जी। तो अबरार अहमद भाई, मेरा अगला क्वेश्चन जो है आपसे, जैसे आप एक बार प्रधान रह भी चुके हैं जी, लेकिन फिर अब की बार फिर आप प्रधान बनने के क्यों इच्छुक हैं? आपका क्या मिशन है, आपका लक्ष्य क्या है, जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मेरा, मैं 5 साल प्रधान रह चुका हूँ जी जी, और फिर आगे जो है वो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जनता मुझे बनाएगी। और मेरा प्रधान बनने का उद्देश्य ये है कि मैं जनता की अच्छी से अच्छी सेवा दूं, गांव का विकास करूं, लोगों के सुख दुख में शरीक हूं। प्रधान बनने का इच्छुक इसलिए मैं। आपकी सोच बहुत ही अच्छी सोच है, मुझे पसंद आई, तो उम्मीद करता हूं कि जनता के भी पसंद आएगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जी हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर कर लो, घुमा लो सारे ग्रुप में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।